हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू एसआरबी साइंस क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 9 स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। लास्ट टॉपिक हमने इसमें डिस्कस किया था कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा था जो एनिमल ब्रीडिंग के टेक्निक्स थे, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इन टेक्निक्स को कैसे उपयोग में लाते हैं कौन, ब्रीडर्स मतलब वेटरनरी डॉक्टर्स कैसे इन एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल करते हैं, कैसे सीमेन को या फिर फीमेल के अंदर जायगोट को ट्रांसफर कैसे करते हैं, किस स्टेज में ट्रांसफर करना चाहिए, ये सारी चीजें कैसे कंट्रोल की जाती है या कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है बी कीपिंग मतलब मधुमक्खी पालन। बी कीपिंग नाम से समझ में आ रहा है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इससे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। जनरल सी बात है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होने वाला है ये, बी कीपिंग मतलब मधुमक्खी पालन। ठीक है, बी कीपिंग और एपिकल्चर, तो आपको ये टर्म याद रखना है कि बी कीपिंग को या मधुमक्खी पालन के लिए एक टर्म दिया गया है जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एपिकल्चर। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि बी कीपिंग को ही बोला जाता है एपिकल्चर। ठीक है, तो एपिकल्चर क्या है, इज द मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनीबीज, हनीबीज के जो हाइव्स होते हैं मीन्स उनके जो छत्ते होते हैं, मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, उनको मेंटेन करना या मेंटेनेंस, उसकी कितनी ऊंचाई तक रखना है, कौन से खेतों में रखना चाहिए और कौन से मौसम में उसका पालन पोषण कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो क्या कहलाती है, एपिकल्चर के अंदर सब आती है। ठीक है, हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू, हनी बी से हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो है, मेनली जो प्रोडक्ट मिलता है वो है हनी या शहद, उसमें हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, हमारे आयुर्वेदिक सिस्टम में अगर देखा जाए तो शहद को एक औषधि के रूप में देखा जाता है, बहुत सारी इसकी अनुपान के रूप में इसको लिया जाता है, मतलब दवाइयों के साथ जो आयुर्वेदिक औषधियां होती हैं, चूर्ण होते हैं या किसी प्रकार की वटी होती है, तो उसको शहद के साथ लिया जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार की औषधि है। हनी बीज ऑल्सो प्रोड्यूसेस वी वैक्स, क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपके नीट में, आपको ये ध्यान रखना है कि हनी बी का प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ हनी है, तो आपको ये याद रखना है कि हनी बी का प्रोडक्ट सिर्फ हनी नहीं है, मतलब सिर्फ शहद नहीं मिलता, हमको क्या मिलता है, बी वैक्स या मोम भी प्राप्त होता है, विच फाइंड्स मैनी यूजेस इन इंडस्ट्री, जिसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है या यूजेस है इन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स, मोम का उपयोग बहुत सारे कॉस्मेटिक्स का के प्रोडक्शन में उपयोग किया जाता है, एंड पॉलिशिंग कांतिवर्धक पदार्थों में, मतलब किसी प्रोडक्ट को चमकाने के लिए, उसकी पॉलिश करने के लिए बी वैक्स का उपयोग किया जाता है। द मोस्ट कॉमन स्पीसीज इज एपिस इंडिका, आपको दो तीन स्पीसीज के नाम याद रखने हैं, इंडियन बी हनी बी जो होती है एपिस इंडिका, एपिस डॉर्सेटा, मेनली दो, मैंने डॉर्सेटा का नाम यहाँ नहीं लिखा है, आपके एनसीईआरटी में सिर्फ एपिस इंडिका दिया हुआ है, तो आपको दोनों नाम याद रखना है, एपिस इंडिका एंड एपिस डॉर्सेटा। ठीक है, मोस्ट कॉमन स्पीसीज है ये। बीज आर द पॉलिनेटर्स ऑफ मेनी ऑफ आर क्रॉप स्पीसीज, बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं या फसलें हैं जिनके पॉलिनेशन में ये हेल्प करती हैं। एनसीईआरटी के सेकेंड चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में ये चीज क्लियरली दी हुई है, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि है सनफ्लावर, ब्रेसिका, एप्पल एंड पियर, ये चीज आपको याद रखनी है, नीट में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि बीज जो है वो किन प्लांट्स के या किन क्रॉप्स के, कौन से फसल के पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, सनफ्लावर, ब्रेसिका, एप्पल, पियर, सूर्यमुखी, सरसों, सेब एंड नाशपति। यहाँ पे आपका नीट का क्वेश्चन जो बनता है वो एक ये है, एपिकल्चर से क्वेश्चन बनता है कि बी कीपिंग को क्या बोला जाता है, एपिकल्चर बोला जाता है। बी कीपिंग का जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ हनी नहीं है, बी कीपिंग से हमको बी वैक्स भी मिलती है जिसका उपयोग किया जाता है कॉस्मेटिक्स में एंड पॉलिशिंग में। ठीक है, एपिस इंडिका, एपिस डॉर्सेटा, आपको ये स्पीसीज के नाम याद रखने हैं, एंड पॉलिनेशन करते हैं सनफ्लावर, ब्रेसिका, एप्पल एंड पियर, तो इनको इन खेतों में जहां पे सनफ्लावर की खेती की गई है, सरसों की खेती की गई है, एप्पल और पियर, इन जगहों पे इनके हाइव्स को अरेंज किया जाता है ताकि अच्छे से पॉलिनेशन भी हो और अच्छी मात्रा में हमको या अच्छी क्वालिटी का शहद भी प्राप्त हो सके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे फिशरीज के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप हमारे पेज एसआरबी साइंस को फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे लाइक कीजिए एंड फॉलो कीजिए।